और मम्मी का अचानक से दांतों में हो गया दर्द, तो उनको हम जाते हैं फटाफट लेकर डॉक्टर के पास। आज फ्राइडे भी है, नहाना भी था, नमाज भी पढ़ना था, बट सब काम छोड़कर अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पकड़ ले, चल। फ्रेंड अभी हम लोग आ रहे हैं, अम्मा एक्सरे के लिए। हो गया बिना फिर तक है, तब इसे मुंह बना। तो फ्रेंड फाइनली रिपोर्ट मिल गई, चलते हैं डॉक्टर के पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फ्रेंड यहाँ मम्मी लोग बैठी हैं, हम सब कर रहे हैं यहाँ पे इंतजार। डॉक्टर ने बोला है अभी लगेंगे 15 से 20 मिनट। फ्रेंड अभी दिखा दिया डॉक्टर को मम्मी को, बस सेटिंग कंप्लीट हो गई है। डॉक्टर ने 3 दिन बाद फिर से बुलाया है। तो फ्रेंड मैं को दिखा के आ गया, तो नमाज में भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिल जाएगी, 2:15 बजे यहाँ पे जमा होती जुमे की। मैं अभी बैठी हूँ नमाज के लिए। A few moments later. फ्रेंड ये सिस्टर हमारी बिहार से आई है सबसे से मिलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए यहाँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलकर आप लोग से। अगर आप लोग को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है ना, तो शर्म हटानी पड़ेगी आप लोग को, वरना ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया, कब तो मिल गया गुलाब, चलिए बैठो फटाक से। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबका, जहां मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और सुबह से आज बहुत ज्यादा बिजी दिन था, आपने देखा शुरुआत कैसे हुई, अम्मा का दर्द जो है वो दांतों का बढ़ गया है, तो अभी उनकी रूट कैनाल वाली सिटिंग जो है वो चलती रहेगी। उसके बाद सनी को बहुत काम है, अभी हम सबसे मेन काम के लिए जा रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट के जो बॉक्सेस है उसको प्रिंटिंग के लिए देना है, क्योंकि हम होम डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो ये सब भी होता है, तो इसके लिए भी बॉक्सेस हम देखने जा रहे हैं। बड़े प्यारे से कपल भी हम सभी मिलने आया था बिहार से, उनको भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन वो लोग शर्मा रहे थे। तो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, अगर आप किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे कैमरा उठा के, तो फिर आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। हम भी शर्माते थे, हम भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन थोड़ा सा डीप और बेशरम बनना पड़ता है। और मतलब वैसा बेशरम, मतलब वाला बेशरम नहीं, ये वाला कि वैसे भी किसी के सामने बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें शर्म आती है और हमें भी आती है, तो वो वाला बेशरम बनना है, मतलब शर्म नहीं करनी है। ब्लॉगर होगा, ब्लॉगर बनी नहीं पाऊंगा। फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, चलते हैं अंदर दुकान कहाँ पे। आ गए अभी बाहर से अपने आधे काम छोड़ के, क्योंकि हमें साथ में इंस्टाग्राम का काम भी तो करते जाना है, तो हमने करनी है भाई हमें जींस शूट। अभी यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सब सारा सामान इधर कर दिया था जब मैं यहाँ पे नहीं थी, पर ये लोगों ने दोनों हमने ठीक कर लिया, अभी वाला बाद में करेंगे। ये अरेबियन कलेक्शन से आया है, टाइम कम है क्योंकि सनलाइट तो है ही नहीं, मतलब नॉर्मल लाइट भी चली जाएगी। ये छोड़ गई अपना यहाँ पे, ठीक है जाओ। तो फ्रेंड यहाँ पे चल रही शूटिंग हमारी अबाया की, और हम लोग तो परेशान है किस एंगल से, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं शूट करना, आता ही नहीं कैसे शूट करना है, तो बड़ी समस्या हो जाती है भाई। फ्रेंड्स फाइनली हमें रील के लिए शॉट मिल गया है, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लाइट भी जा रही थी, लेकिन अच्छे शॉट आ गए, थैंक यू। अभी एडिट होगी, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। जिंदगी में हमने किया कोई थैंक यू नहीं, आज वो आ गया तो थैंक यू उसका, मैंने बोला कभी थैंक यू तुमने आज तक, हमेशा इतनी नाइस अच्छी होती है, बस बोलो थैंक यू, ऐसा नहीं होता। आपको पता जब भी यहाँ पे आते हैं तो कुछ खाना पीना पड़ता है, मजबूरी में खाना पीना पड़ता है, वरना सूट भी नहीं करने देंगे, भगा देंगे वो यहाँ। हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर लिए, चाय पीते हैं फिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलो चाय पी के हो गया, अब चलते हैं दूसरे काम पे लग जाते हैं। जब जल्दी फोटोशूट पे गए थे सब ऐसे ही बिखरा के चले गए थे, आज मैं इतना जल्दी तैयार हुई हूँ कि लाइफ में भी नहीं हुई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रील जो है वो बन चुकी है। जब भी एक काम कंप्लीट होता है, ये कोई भी हमसे मतलब कनेक्ट करेगा, रिलेट करेगा, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे टीचिंग में हो, जिसमें भी हो, हमसे इतना सुकून होता है कि चलो ये काम कर लिया है। तो बस अभी हम ये थोड़ा घर ठीक करते हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम की अनबॉक्सिंग करनी है, सारे कपड़े रखे वहाँ पे, बेचारे रिजा भी आई है, वो उधर पे हमारे पार्सल जैसे पड़े हुए आपने देखा था वाले रूम में, वो वहाँ पे कर रही है, तो हम बस अपने काम कम्प्लीट करते हैं, जाना भाई अभी घर दावत में, उसके लिए रेडी होंगे। कभी डालना है स्टोरी, लेकिन वो कह रहे थे दिन बाद बताएगी। आज का ब्लॉग जैसे